तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब क्या करूं, क्या खिलाऊं? मेरे घर पे छोले बचे मतलब बने हैं। अब मेरे घर पे बैंगन भरता भी रेडी है। मैंने आज लूचे और आलू दम बनाया है। मैं कुछ मीठा बनाकर लेकर आती हूँ। मेहता साहब कुछ खाएंगे तो उनका पेट शांत होगा और दिमाग भी शांत हो जाएगा। हाँ हाँ। फिर उन्हें अच्छी नींद आएगी। हाँ, थैंक यू थैंक यू। हाँ, मेहता साहब को अच्छा अच्छा टेस्टी खाना खिलाइए। अभी लेकर आते हैं। चलिए हम भी घर चलते हैं। आप आराम कीजिए, मैं खाना भी लगाती हूँ आपको। खाइए, आराम से खाइए। हाँ, सब कुछ ठीक है? हाँ, वो अभी खाना खा रहे हैं। वेरी गुड, अभी आप भी खाना खा लीजिए। मैं तब तक बाहर जाके बता के आती हूँ कि सब ठीक है और मेहता सब खाना खा रहे हैं। ठीक है, जाइए। यहाँ ले हो सब? हाँ, हाँ। अच्छा है, खाना खा रहे। आओ। हाँ, क्या हुआ माजी? अभी अंदर सब ठीक है, मेहता साहब खाना खा रहे हैं। अच्छा, चलो, वेरी गुड। अच्छा, तुम महिला मंडल अंजलि भाभी के साथ ही रहना, उनको अकेला मत छोड़ना। हाँ हाँ, हम लोग साथ में ही हैं, आप चिंता मत करिए। मैं आती हूँ। ये मेहता साहब का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या मतलब? करेले का नाम सुनते ही भड़क जा रहे हैं और बाकी पकवान आराम से खा रहे हैं। मैंने भी ऐसा पहली बार देखा है। अब मेहता साहब तो सच में चुड़ैल दिखी होगी या फिर कहानी बना रहे होंगे। ओ यारो, मैं तो कहता हूँ कि अभी चलते हैं पुराने कब्रिस्तान और जाकर देखते हैं कि वहाँ चुड़ैल है कि नहीं। अगर होगी ना तो फिर मैं छड़ांगा नहीं, मैं पकड़ लूंगा उसको। अरे सोड़ी, तुम क्या बोल रहे हो भाई? इंसान चुड़ैल को नहीं पकड़ता, चुड़ैल इंसान को पकड़ती है। और क्या कुछ भी बोल रहा है सोड़ी, वो बहुत खतरनाक जगह है। वहाँ दिन में कोई नहीं जाता, तू रात में जाने की बात कर रहा है? अरे तुम लोग है ना, यूजलेस बात कर रहे हो। हाँ ठीक है, तो तुम जाओ। I mean to say कि ये चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता है। मेहता साहब के दिमाग पर गहरा असर हुआ है। जब उन्होंने हमको फोन किया था तब उनका मदद करते तो ये नहीं होता। ओ अय्यर प्रा, जो हो गया सो हो गया। अब ये सोचो कि मेहता साहब का कल भी अगर यही हाल रहा तो। नहीं नहीं सोड़ी, कल ऐसा कुछ नहीं होगा। आज तो मेहता साहब का मन थोड़ा बेचैन था। अरे अच्छा अच्छा खाना खाएंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि कल तक फर्क पड़ ही जाएगा। मैं एक बार चेक करके आता हूँ कि मेहता साहब ने दवाई ली है कि नहीं। सही सही सही। ऑल ओके अंजलि भाभी, खाना खाया आपने? हाँ हाँ। अंजलि भाभी, मेहता साहब ने खाना खाया? हाँ। तो उन्हें वो दवाई की गोली दे दीजिए जो मैंने आपको दी थी, उसे उनको अच्छी नींद आ जाएगी। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, उन्हें गोली खाए बिना ही नींद आ गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप चिंता मत कीजिएगा, हम सब यहाँ बाहर ही है। मेहता साहब को ठीक से नींद आ रही है कि नहीं ये देखने के बाद ही घर जाएंगे। हंस, हम लेडीज आज यहीं रुकने वाली हैं। खुशी हो या गम, हम हमेशा साथ साथ हैं। सही बात है। चलिए, तो कुछ भी काम हो तो मुझे बुला लीजिएगा, ओके? हाँ, थैंक यू। सॉरी, मेरे वजह से आप सबको तकलीफ हो रही है ना? ओ कम ऑन। अरे वो कोई नहीं। अरे अंजलि भाभी, तकलीफ कैसी? हम लोग सब अलग अलग है, मतलब घर अलग अलग है, लेकिन परिवार तो एक ही है ना। एकदम सच्ची बात है। थैंक यू सो मच। लेकिन तारक अभी सो गए हैं, तो अगर आप लोग को घर जाके आराम करना हो तो आप लोग जा सकते हैं। अरे नहीं रे बाबा, नहीं, ऐसे तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, आपको अकेले छोड़ के जाएंगे ही नहीं। लेकिन आप लोग क्या? लेकिन वेकिन, अब जागरण में हम जागते ही है ना, तो आज हम सबकी स्लीप ओवर होने वाली यहाँ पे। बस गप्पे मार के सारी रात निकाल लेंगे। लेकिन एक बात पूछूं,
मेहता साहब ने जो चुड़ैल की बात कही थी वो सच है क्या? वो करेले के भूत और चुड़ैल का तो मुझे पता नहीं, लेकिन भूत होते हैं। हाँ, आपने कभी भूत देखे है क्या? नहीं नहीं, अगर वो ये काय बोलता है? अरे देखा होता तो वो कब की खुटी भूत बन गई होती। नहीं, मतलब क्या है, मेरे चाचा थे ना, तो उनके उसमें ना चाची का भूत आता था। फिर क्या, चाचा ने दूसरी शादी कर ली थी तो चाचा के शरीर में पहली वाली चाची की आत्मा आती थी और वो दूसरी वाली चाची के बाल काट के जाती थी रात को। क्या? हाँ। एक बात कहूं, आप लोग मानेंगे नहीं लेकिन मैंने भी एक बार भूत देखा है। हाँ? आपने देखा? हाँ। यहाँ गोकुलधाम में? हाँ? नहीं रे नहीं, पंजाब में। हाँ। एक बार मैं रोशन के साथ पंजाब गई थी, अप्रैल का महीना था और उसके पापा के बहुत सारे खेत है ना, तो हम दोनों रात को खेत में सोने के लिए गए। अमावस की रात थी, एकदम अंधेरी काली रात थी और दूर कुत्ते के रोने की आवाज आ रही थी। ए बाप रे, कुत्ते रोते हैं ना तो बहुत डर लगता है। हाँ, मैंने सुना है कि कुत्तों को आत्मा दिखती है। मेरी बात तो सुनो, कुत्ते के रोने की आवाज से मेरी आंखें खुल गई और मैंने क्या देखा? क्या? पीपल के पेड़ के पास एक औरत सफेद कपड़े में घूम रही थी और उसके पायल की आवाज आ रही थी, छम 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 छम। ये तो पूरी हॉरर मूवी का सीन लग रहा है। आगे तो सुनो, मैं जब उस औरत को देख रही थी और वो अचानक मेरी तरफ मुड़ी और बोली, मैं तुम्हें मेरे साथ ले जाऊंगी। मैं बहुत बहुत डर गई थी। मैंने जाके रोशन का कंबल अलग किया और देखा, रोशन तो कंबल में है ही नहीं। रोशन, लेकिन वो नहीं आया और वो फिर अचानक मेरे पास आई और पास। और मुझे पकड़ लिया। और बोली? क्या बोली? अप्रैल फूल। व्हाट? क्या? हाँ, उस दिन 1 अप्रैल थी और ये रोशन ने अपनी मौसी की बेटी के साथ मिलकर मुझे उस दिन भी उल्लू बनाया। रोशन भाभी, कैसा घाबरा था देवा। रोशन भाभी, आपने तो हमें डरा ही दिया था। हाँ, अल्लू, मैं भी तो डरी गई थी ना। रोशन भाभी, भूत का विषय ही ऐसा है कि कोई भी डर जाए। हाँ। चाचा जी नहीं डरे? आपके चाचा जी? नहीं, आपने चंपू चाचा जी। हाँ, और उनकी नींद भी खराब हो गई। क्या हुआ दादाजी,
अगर लाइट्स ऑन है इसलिए आपको नींद नहीं आ रही तो मैं लाइट्स ऑफ कर दूं? अरे नहीं नहीं बुढ़ा, लाइट बंद मत करना। लाइट बंद करोगे तो मुझे वो कब्रिस्तान वाली चुड़ैल दिखेगी। बापूजी आप चिंता मत कीजिए, घर में कोई भूत नहीं आने वाला। पता है मुझे भूत बोलना जरूरी था। सॉरी। अच्छा अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं दादाजी, मैं आपके बाजू में सो जाता हूँ और बांका भाई आप मेरे बेड पे सो जाइए। नहीं नहीं टप्पू सेठ जी, मैं आपके बेड पे कैसे सो सकता हूँ, मैं बाहर हॉल में सो जाऊंगा। अरे नहीं नहीं बांका बेटा, कोई बात नहीं, तू यहीं सो जा। ठीक है बापू जी। लेकिन टपूड़ा मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे महसूस की बहुत चिंता हो रही है। बापू जी आप मेहता साहब की चिंता मत कीजिए, सब लोग है ना उनके साथ। हाँ दादाजी। आप सो जाइए बापू जी। ठीक है टप्पू, आ गया बेटा। आइए टप्पू। एक्चुअली हम सब साथ है ना तो डर थोड़ा कम लग रहा है, वरना भूत की बात में बहुत डर लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि मेहता साहब करेले की डाइट से डर गए हो और ये सब कुछ वो इमेजिन कर रहे हो? अरे पर इसमें डरने की क्या बात है, और अगर ऐसा है भी तो उन्हें मुझे कहना चाहिए था। हो सकता है वो आपसे कहने से भी डरते हो और इसलिए उनका डर इस तरह से बाहर निकला। अरे इसका मतलब हम अपने पति को बोले कि नहीं बोले, उनको अच्छी आदत डाले कि नहीं डाले, और नहीं तो क्या। अरे मैं पत्नी हूँ उनकी, अगर मैं उनके हेल्थ का ध्यान नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा। बच्चों जैसे उनका खाने पे कंट्रोल ही नहीं रहता है, फिर अनाप शनाप खा लेते और फिर कहते अंजलि यहाँ पे जलन हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, ऐसे कंप्लेन करते रहते। नहीं मैंने सोच लिया, मैं एक दो दिन उनसे कुछ नहीं कहूंगी, फिर उसके बाद ना फिर से समझा बुझा के प्यार से खिलाड़ी डाइट शुरू कर दूंगी। गुड। हाँ दो तीन दिन बाद खिलाड़ी डाइट शुरू कर देना। बेटा साहब वो क्या हुआ, तो चिल्ला क्यों रहा है? चलो चलो देखते चलो। टप्पू टप्पू हम आ गए, हम आ गए। अरे वो मैं तो उसकी आवाज आ रही है, चलो चलो बाहर जाकर देखते हैं क्या हुआ। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे पीछे यहाँ तक आ गया, मेरे पीछे यहाँ तक आ गया। नहीं है मेहता साहब, कोई नहीं है मेहता साहब। अब क्या हुआ? चाचा जी मेहता साहब घर के अंदर थे फिर चिल्लाते हुए बाहर आ गए। क्यों? क्योंकि क्योंकि कौन है? मुझे मुझे कर 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 लगा बाबा 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 कर लगा भूत, वो मेरा पीछा करते रहे घर तक आ गया। कोई नहीं है तारा, बचाओ मुझे बचाओ। अरे बाप रे बेटा बुढ़ा, वो बाहर आ गया तो हमारे घर पे भी आ सकता है, हमारे घर समझे नजदीक है। बापू जी आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं ना। अरे वो भूत है, वो इंसान की बात थोड़ी सुनेगा, वो तो किसी को भी चिपक सकता है। अरे देवा मेहता साहब क्या कम थे, जो चाचा जी भी शुरू हो गए, अभी अभी किसको शांत करेंगे? आपको झूठ लगता है तो मेरे घर में जाइए और मेरे घर के बेडरूम में जाके देखिए, मिलेगा आपको। करेले का भूत, जा बेटा देख के अंदर कुछ है कि नहीं। मैं क्यों जाऊं? क्योंकि तो सोसाइटी का एक में वो सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी से क्या संबंध है इतने? हर बात में ऐसे ऐसे करके आगे रहता है तो इसमें भी जा आगे। अरे तो मैं क्या बॉय यारो, तुसी छड्डो,
मैं अंदर जाकर देख कर आता हूँ। अरे रुक जाइए, किसी को अंदर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं कमरे में देख चुकी हूँ, वहाँ पर कोई नहीं है। बस कोई नहीं है वहाँ पे। अंजलि मेरा यकीन करो, वो घर में ही है। जा 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 जा। अरे लगता है मेहता सब ने कोई बुरा सपना देखा है। सपना? हाँ हो सकता है मैंने सपना देखा हो, लेकिन ये सपना सच हो सकता है? और हो सकता है नहीं ये सपना सच होगा? ये तो कहा था उस लड़की ने जो कब्रिस्तान के पास मिली। ये करेले मेरी जान थे, अब ये करेले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, ये तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लेंगे। क्या सपना देखा मेहता साहब? ये देखा, मैं खेत में लेटा करेले का, इसमें चारों तरफ करेले के पीले पीले फूल उगे। बस बहुत 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 खराब गंदा, और उन फूलों में से धीरे धीरे करेले निकले गए। एक करेला, दो करेला, चार करेला, अनेक करेले। करेले ही करेले, और वो करेले धीरे 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 बड़े होते चले गए। मुझे कहने लगे, तुम करेलों से नफरत करते हो ना, तुमने करेलों को कुचला है ना। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। करेले की बेल मुझसे निपटने लगी, मैंने दौड़ने की कोशिश की लेकिन मैं गिर पड़ा। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा करेला, बहुत बड़ा करेला मेरे पास आने लगा। से बच नहीं पाओगे, से बच के कहां तक जाओ? हम तुम में समा जाएंगे। ये हंस रहे? अरे सुनी, इसमें हंसने वाली क्या बात है? रोशन गपचुप रहनी बाबा, हंसता क्या है? और रोशन डार्लिंग, वो मेहता साहब ने इतना बढ़िया सपना सुनाया, वो भाई मजा आ गया। ऐसे मजा आ गया, ऐसे ही ऐसे ऐसा था वो कर रहा। देखिए ये सब कड़वी सब्जी की वजह से हुआ है। मेहता साहब के सपने में वो कड़वी सब्जी आई और देखिए मेहता साहब का ये हाल हो गया। इसीलिए मेहता साहब के सामने कोई भी उस कड़वी सब्जी का नाम नहीं लेगा। कौन सी कड़वी सब्जी? अरे अभी बोला ना आती भाई ने कि वो नाम नहीं लेना है सब्जी का, तू वहां से पूछ रहे हो नाम क्या है। देखो मेहता साहब, ये भूत भूत कुछ नहीं होता, ये एक बुरा सपना है। ये सब मेहता साहब के साथ स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। अंजलि भाभी, मैंने जो आपको दवाई दी है ना, उसका एक डोज मेहता साहब को दे दीजिएगा, उससे उनको रिलैक्स भी फील होगा और अच्छी नींद भी आएगी। अंधेरी रात हो, भूतों की बात हो, डर का माहौल हो, तो किसी को भी नींद कैसे आ सकती? डॉक्टर हाथी ने मुझे दवाई दी है कि मैं अच्छे से सो जाऊं, लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि दवाई खा के मैं तो सो जाऊंगा, लेकिन अगर करेले का भूत जाग गया तो? ये करेले का भूत नहीं होता है, लेकिन फिर क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या सचमुच मेरे दिमाग पे कुछ असर हुआ है या किसी ने कुछ जादू टोना कर दिया है मुझ पे? पर ये पूरी गोकुलधाम सोसाइटी परेशान है और अभी तो पूरी रात निकालना बाकी है। क्या होगा कल सुबह, कुछ समझ में नहीं आ रहा। करेले की डाइट से शुरू हुई ये कहानी ऐसे मोड़ पे पहुंच चुकी है जहां कुछ भी हो सकता है, और अब पता नहीं कि आगे क्या होगा, सब कुछ नॉर्मल कैसे होगा मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ जो कुछ भी होगा होगा मजेदार। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.